हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, फिर से यार मैं वो कहानी दोहराना नहीं चाहता कि इतने टाइम बाद आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। डायरेक्ट कंटेंट से हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है, टॉपिक आपको एकदम से पता चल जाएगा। जैसे पता है क्या, हम अब तक मेरे पिछले दो वीडियो में आपने फैराडे के सिर्फ एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट थे, अब उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ नियम बनाए गए, कुछ लॉज बनाए गए, जो फैराडे, जो हमारे साइंटिस्ट है फैराडे, उन्होंने ही दिए थे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस के ऊपर लॉ थे, ठीक है ना। जैसे उससे पहले मेरे एक वीडियो और आई थी, मैंने एक एनिमेटेड वीडियो डाली थी एक किसी यूट्यूब चैनल से, हालांकि मुझे अब तक कॉपीराइट इश्यू नहीं हुआ है, लेकिन मैंने वो वीडियो डाला था। तो उस वीडियो में अगर आपने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताया था कि कहाँ कहाँ यूज होती है इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे कटिंग नाइफ में होती है, किड्स टॉय में होती है, तो डिफरेंट जगह यूज होती है। तो मोटर चलती कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कैसे रोटर घूमता है, वो सब आपको वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं वीडियो में। तो मैं अब बात करता हूं आगे फैराडे लॉ, फैराडे और उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं, अगर आपको याद होगा फ्लक्स का थोड़ा सा आइडिया, फिर से हमारे चैनल में यही कहता है, हम कुछ बताने से पहले थोड़ा पहले आइडिया दे देते हैं। वैसे आप लोगों ने देखा तो है वीडियो, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक अवेलेबल है, जाओ और जाके देखो वीडियो, ठीक। तो कोई सरफेस है, ये उसका एरियल वेक्टर है, ठीक, ये 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 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, थीटा। तो फ्लक्स कितना हुआ, B डॉट डी एस कॉस थीटा फाई। तो फाई ये होगा। अब यार मेरे को इसमें डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, इसके बारे में कुछ खास बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो हम पिछले में कर चुके हैं और अब हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी चीज से जो फ्लक्स लिंक होता है उसका फॉर्मूला ये रहता है, ठीक। अब लॉ नंबर वन, फैराडे का ऐसा कहना था कि जब भी किसी फील्ड में, यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में तुम किसी भी चीज को रोटेट कराओगे, जैसे मान लो ये 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 नॉर्थ, ज्यादा बड़े लॉ नहीं है लेकिन मैं फिर भी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। अब ये 3D तो हम इसमें एनिमेटेड कर नहीं कर सकते, तो आपको इसमें ही समझना पड़ेगा। तो जैसे ये ना इसके बीच में से तो अब इसके बीच में जब ये रोटर घूमेगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी भी चीज को घुमाओगे ना, तो उसमें इंड्यूस EMF जनरेट होगा, ठीक, इंड्यूस EMF जनरेट होगा। अगर आप किसी मतलब किसी भी चीज से अगर फ्लक्स लिंक हो गया ना, तो उसमें इंड्यूस EMF जनरेट होना तय है, यानी कि वो होकर ही रहेगा, इंड्यूस EMF का यही रोल है, ठीक। तो पहला लॉ आप इसको, अब आपके पास अच्छी अच्छी बुक्स होंगी, आप उसमें से आप जो आपको बेटर लैंग्वेज लगे आप उस लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हैं एग्जाम में, या फिर कहीं भी जो कॉमनली स्कूल के एग्जाम में होते हैं आप उसमें लिख सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको, तो मैं यहां सिर्फ समझाने आया हूं कि ये रूल क्या कहता है, ठीक है, लॉ क्या है मैं आपको बताने आया हूँ। बाकी आपकी बुक्स में अवेलेबल है अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस में, आप वहां से जाएं और उनको एक बार रीड कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला लॉ यही कहता है कि किसी भी चीज में से अगर फ्लक्स लिंक कर रहा है, किसी भी चीज में से फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो उसमें इंड्यूस EMF जनरेट होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये था हमारा पहला लॉ, ठीक। लॉ सेकेंड, ठीक है, लॉ सेकंड। अब सेकंड लॉ ये कहता है कि जिस भी चीज से फ्लक्स इंड्यूस EMF तब तक रहेगा जब तक उसमें, जब तक उसको कंडक्टर में फ्लक्स चेंज करता रहेगा। समझाता हूं गौर से,
ये तो समझ गया, ये आप लोग समझ चुके हैं, ये लॉ वन से रिलेटेड है, लॉ फर्स्ट से ये रिलेटेड है ठीक। सेकेंड लॉ से रिलेटेड ये है, मान लो ये एक आयरन रॉड है और ये है, और हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो ये हमारा मान लो ये एक आयरन रॉड है ठीक है। अब एक आयरन, अब जैसे ये आयरन रॉड है ना, आयरन रॉड है, अब आयरन रॉड और ये फ्लक्स वेरिएबल ये चेंज कर रहा है, ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज कर रही है, यानी कि इसके इससे जो फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स इससे निकल रहा है ठीक, मैग्नेटिक फील्ड से नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड पे अप्लाई होगी ठीक है, इस रॉड का एक एरियल वेक्टर होगा ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड से निकलेगी, पास होके निकलेगी, इसका मतलब इसके मतलब जो फ्लक्स होगा ना बी डॉट डीएस कॉस थीटा, फ्लक्स चेंज होगा है ना भाई। सीधी सी बात है, अगर ये रॉड है इसके पास हम मैग्नेटिक को हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं तो कुछ तो फ्लक्स इससे लिंक हो रहा होगा है ना, फ्लक्स लिंक हो रहा है तभी तो घूम रहा है, तभी तो रोटेशनल इफेक्ट हो रहा है, तभी तो टॉर्क लग रहा है ठीक। अब जब ये घूम रहा है तो ये इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ भी जनरेट होगा, अब वो इंड्यूस ईएमएफ तब तक जनरेट होगा जब तक इसमें फ्लक्स चेंज करता रहेगा, माइंड इट, इसमें कहने का मतलब है इसमें फ्लक्स जब तक चेंज करता रहेगा, फ्लक्स सेम नहीं रहना चाहिए, यानी कि फ्लक्स जो है हैज टू चेंज, मतलब फ्लक्स को चेंज होना पड़ेगा ताकि ई जनरेट हो ठीक, फ्लक्स को चेंज होना पड़ेगा ताकि ई जनरेट हो, ई क्या है इंड्यूस ईएमएफ ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ ठीक। अब इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है, जैसे मान लो मैं करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है ठीक, करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है और इंड्यूस ईएमएफ इधर इस डायरेक्शन में बहता है, जो कि कॉमनली बहता है, कॉमनली फ्लो करता है, यानी कि करंट इधर है तो इंड्यूस ईएमएफ इधर है, अगर करंट इधर है तो इंड्यूस ईएमएफ इधर है, तो ये क्यों होता है, इसके ऊपर भी एक लॉ था, वो इसके बाद हम समझाएंगे वो भी लॉ ठीक ठीक है। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि जब तक फाई चेंज होगा तब तक ई जनरेट होता रहेगा, लेकिन अगर फाई हमारा ये फाई कांस्टेंट हो गया तो ई जनरेट नहीं होगा, या फिर फाई रुक गया, फाई खत्म हो गया, फ्लक्स नहीं बचा तो फिर ई जनरेट नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में ई जनरेट नहीं होगा, ये सेकंड रूल कहते हैं। बाकी मैं इसकी डेफिनेशन भी आप बुक से कंसल्ट कर सकते हैं, एनसीईआरटी में अच्छी लैंग्वेज लिखी हुई, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं ठीक। और तो अब हम तीसरे की बात बताएंगे ठीक, थर्ड ठीक। अब थर्ड लॉ ये कहता है, अब थर्ड लॉ क्या कहता है, अब सोचने की बात है थर्ड लॉ के बारे में। तो थर्ड लॉ ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस ईएमएफ करंट, यानी के जो भी फ्लक्स बनेगा या फिर जो भी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा ठीक, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है, मतलब जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वही इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ये अब अगर यार किसी को समझ नहीं आ रहा हो, एनसीईआरटी खोलो, जाके एनसीईआरटी खोलो और उसकी लॉ का ये थर्ड वाला ढंग से पढ़ो, स्टेटमेंट के साथ पढ़ो और मेरे को देखते हुए ठीक। अब देखते जाओ ये अभी, अब जब द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस ईएमएफ ठीक। अब ठीक है, अब ये जो ई होगा, ई इज इक्वल्स टू के डी फाई बाई डी टी, बुक में इसको ऐसे भी लिखा होगा कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई, बुक में इसको ऐसे भी लिखा होगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी, ऐसे भी लिखा होगा बुक में, ये भी सही है ठीक। तो जब हमने आप, ये तो आप नाइन से पढ़ते आ रहे हो, जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो के कॉन्स्टेंट लगाते हो ठीक है, इसको कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं ठीक।
कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बोले डी फाइव अपॉन डी टी। यार जो मैथ वाले है ना वो तो समझ जाएंगे डी फाइव अपॉन डी टी क्या है, लेकिन बायो वालों को दिक्कत आ जाती है। तो डी फाइव अपॉन डी टी यानी कि ये चेंज कर रहा है, या तो आप इसको डी फाइव बाई डी टी को ये लिख दो या इसको आप ये लिख दो, एक ही चीज है दोनों। ठीक ठीक। अब आगे रूल ये था E इज इक्वल्स टू माइनस के डी फाइव अपॉन डी टी। ठीक, ये अब सोचने की बात है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में अंतर क्या है, यानी कि अगर मैं इनको इसको इक्वेशन नंबर वन दे दूं और इक्वेशन नंबर टू मैं इसको दे दूं तो इक्वेशन वन और टू के बीच में डिफरेंस क्या रह गया, डिफरेंस क्या है, ये माइनस साइन का जो डिफरेंस है यही चीज हमें शो करता है कि इंड्यूस नियम बाहर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। कैसे, इसके ऊपर एक लॉ होता है, अब हम वो भी बताएंगे आपको। ठीक, अभी के लिए आप इतना समझे ये तीन लॉ थे। ठीक, फैराडे के तीन लॉ थे, आप एनसीईआरटी से कंसल्ट कर लें तो आपके लिए ज्यादा बेटर लैंग्वेज में, अगर आपको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप एनसीईआरटी से उसको कंसल्ट कर लें। बाकी मैंने आपको तीनों लॉ समझा दिए। ठीक, तीनों समझा दिए, एक दो और तीन, तीसरा वाला ये आप समझ लेंगे। ठीक है, और ये अब इसमें ऐसा भी होगा, बुक में एक चीज और दी है, हाँ जाते जाते ये एक चीज नोट कर लीजिए। ई इज इक्वल्स टू, अब मान लीजिए कोई कॉइल है, एक मेरे पास रॉड है, आयरन रॉड, उस पर मैंने नंबर ऑफ टर्न एन मारे। ठीक, तो उस पर फ्लक्स कितना हो गया। ठीक, अब मान लो भाई पहले मान लो थोड़े ही टर्न थे, जैसे कि आप मान के चलो कि ये हाँ पहले एन डैश टर्न थे, उस टाइम फ्लक्स कितना था ये। ठीक, और अब अगर इसमें अब टर्न ज्यादा बढ़ा दिए, अब मैंने एन कर दिए, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा। ठीक, उसको थोड़ा ऐसे समझना, समझा दूंगा मैं। मान अब जैसे मैंने नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिए, अब जितने टर्न बढ़ाऊंगा उतना फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि उतना एरिया बढ़ जाएगा उसका, है ना। एरिया नहीं, जो एरियल वेक्टर है आप वो कह सकते हो, एरियल वेक्टर कह सकते हैं आप। ठीक, उतना वो बढ़ जाएगा। तो अब कहने का मतलब जितने मैं टर्न्स बढ़ाऊंगा उतना फ्लक्स बढ़ेगा, जितना टर्न बढ़ाऊंगा उतना फ्लक्स बढ़ेगा। तो अब ये इक्वेशन ऐसी भी हो जाएगी, इक्वल टू ई इज इक्वल टू माइनस के एन डी फाइव बाई डी टी। अगर किसी कंडक्टर में एन, अगर आपको टर्न्स के बारे में बताया हो कि इस कंडक्टर पे इतने टर्न्स कॉइल के हैं, कॉपर कॉइल के इतने टर्न है, सिल्वर कॉइल के इतने टर्न है, तो तब आपको ये लगाना है एन, एन की वैल्यू दी होगी, अदरवाइज इसको लगाने की इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मेरा इसके ऊपर फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो लॉ आए थे ये उसके ऊपर मेरा ये वीडियो है। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और यार सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, तो जैसा तुम लोगों को ठीक लगे इसको शेयर कर दो। थैंक यू।